जय हिंद दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। और आपसे कमेंट बहुत आए और कॉल भी आते रहते हैं फ्रेंड्स। हमसे आप ज़्यादा हमको चिंता होती है आप सबकी, तो आप लोग कॉल ना ही किया करो। हम सुबह से ही लग गए हैं आप सबके नोट्स को बनाने में और अब जाके कंप्लीट कर पाए हैं। और कुछ टॉपिक रह गए हैं जो भी बता देंगे, अलग से भी देख लीजिएगा। ओके, तो बहुत से ज़्यादा टॉपिक हमने इनमें डिस्कस कर लिए हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए यहाँ देखते हैं लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट आर्सेनिक, आर्सेनिक का देखते हैं, और आयरन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से तो आएगा ही। तो यह टेस्ट इम्प्योरिटीज को कंट्रोल करने के लिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए भी, इम्प्योरिटी के लिए किया जाता है। यानी इम्प्योरिटी को सुधारने के लिए जो लिमिट टेस्ट होता है वो आर्सेनिक का, यानी इम्प्योरिटी को सुधारने के लिए लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक ये किया जाता है। ओके, प्रिंसिपल इसका क्या है? आर्सेनिक उस टेस्ट पर आधारित है भैया जिसमें हम आर्सेनिक गैस और हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट कराते हैं। यानी आर्सेनिक गैस और हाइड्रोजन आयन के साथ भैया रिएक्ट कराएंगे तो एलो स्टेन फॉर्म में होता है ये। ओके, ऑपरेटस यानी उपकरण कौन कौन से होने चाहिए भैया हमें? 120 ml का एक चौड़ा मुंह वाला फ्लास्क या बोतल रबर के साथ फिट करते हैं। यानी एक 120 चौड़ा वाला, यानी चौड़ा होना चाहिए फ्लास्क या बोतल, उसको हम फिट करेंगे और उसके बाद उसको यूज करेंगे। ओके, प्रोसीजर को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 0.3 ग्राम, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 0.3 ग्राम, यही चीज़ें मायने रखती हैं, इनको ध्यान रखिएगा आप। ओके, आर्सेनिक ट्रीऑक्साइड और 2 ml NaOH और 5 ml भैया क्या रहेगा सॉल्यूशन को मिलाते हैं, और 250 ml वाटर, 250 ml वाटर मिलाते हैं, और 1 ml क्या रहेगा 1000 ml डायल्यूट वाटर, यानी डायल्यूट वाटर रहेगा और डायल्यूट वाटर किया जाता है इसमें। ओके फ्रेंड्स, चलिए भैया टेस्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस उत्पादन को बोतल में रखा जाता है 1 ml पोटेशियम आयोडाइड और 5 ml क्या रहेगा क्या है दोस्तों ऑप्टेक क्लोराइड सॉल्यूशन, और तथा 10 ग्राम जिंक को टेस्ट सॉल्यूशन से डालते हैं। ओके फ्रेंड्स, यह क्रिया 40 डिग्री सेल्सियस पर 40 मिनट तक करते हैं। ओके, तो इसको याद रखिएगा। और चलिए ये आपका हो गया। अब देखते हैं डिफिनेशन, यानी जितने भी आपके डिफिनेशन आने वाली हैं हमने पूरा इनमें डिस्कस कर लिया है एकदम अच्छे से, एकदम इजी लैंग्वेज में। ओके, एरर क्या होते हैं? एरर जो मेजर्ड वैल्यू यानी जो स्पेसिफिक वैल्यू है, और ट्रू वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू यानी जो होती है और उसके बीच का जो है अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो एरर होता है। यानी जैसे कोई चीज़ मिलाया गया तो उनमें कुछ ना कुछ एरर ज़रूर निकलता है। ओके फ्रेंड्स, लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट को देखते हैं। यानी लिमिट टेस्ट को आप लोग जैसे वहाँ पे बताया है, लिमिट टेस्ट में इम्प्योरिटी को चेक किया जाता है, डिफिनेशन पूछ लेगा ऐसे आप बता सकते हो। ओके, एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं भैया जो हमारे पेट गैस को की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो एसिड का यूज करते हैं। यानी गैस की मात्रा आपके पेट में ज़्यादा हो गई है तो क्या यूज करेंगे? एंटा एसिड दवाइयों का, ड्रग का यूज करेंगे। ओके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोराइड इसका एग्जांपल होता है। ओके, चलिए भैया डेंटिफ्यूरस देख लेते हैं। डेंटिफ्रिकस यानी दंत मंजन, जिसे डेंटल प्रोडक्ट भी कहते हैं। ओके, ऐसे ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं भैया जो टीथ और क्लीन करते हैं, टीथ को क्लीन करते हैं यानी साफ करते हैं टीथ ब्रश से। ओके फ्रेंड्स, ये डेंटल प्रोडक्ट होते हैं। ओके, और एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट इसका एग्जाम्पल होता है। सीडेटिव एंड हाइपनोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडेटिव एक ऐसी सब्सटेंस होते हैं जो ब्रेन एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं, यानी ये ऐसे होते हैं और ये जनरल एनेस्थेटिक के रूप में यूज किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये ऐसे होते हैं जो आपके जो ब्रेन होता है वही को कट कर देंगे। यानी जो यहाँ से ये जा रहा रास्ता कहाँ पर, दिल्ली को, और ये यहाँ से तो इसी को कट कर देंगे, कटो भैया यहीं से, जाना ही नहीं तुम्हें। ओके, तो ये कौन होता है? सीडेटिव होते हैं। हाइपनोटिक ऐसे एजेंट होते हैं भैया जो हमको कभी भी नींद नहीं आती है तो ये नींद की प्रॉब्लम में यूज की, जैसे आप लोग गर्लफ्रेंड में बसवाते हैं, कभी झगड़ा वगड़ा कर लेते हैं तो वहाँ पर इसको यूज किया जाता है, आपको नींद दो तीन दिन ऐसे ही घूमते रहे तो आँख लाल करके। ओके, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा डाइजेपाम और एल्प्राजोलाम। और एंटी साइकोटिक क्या होते हैं? एंटी साइकोटिक ऐसी एजेंट होते हैं भैया,
ऐसे एजेंट होते हैं साइकोटिक को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं, और इसका एग्जांपल है हैलोपेरिडोल और रिस्पेरिडोन। ओके फ्रेंड्स, एंटीकोलोसेंट्स को देख लेते हैं। ये ऐसे एजेंट होते हैं जो मिर्गी को ट्रीट करने में यूज किए जाते हैं, यानी भैया मिर्गी अगर आ रही हो पेशेंट को एंटीकोलोसेंट्स की ड्रग यूज करेंगे। ओके, एंटीकोलोसेंट ड्रग कहलाती है। चलिए एंटी डिप्रेसेंट्स को देख लेते हैं। ऐसे सब्सटेंस होते हैं भैया जो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं, उन्हें हम एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं। यानी डिप्रेशन में आप लोग चले जाते हो, कभी कभी ज़्यादा सोचने लगते हो किसी के बारे में तो डिप्रेशन में चले जाते हो, तो वही एंटी डिप्रेसेंट्स होती है। एग्जाम्पल फ्लोक्सेटाइन होता है जो ड्रग यूज की जाती है। ओके, तो ऐसा यानी अगर वहाँ ये ड्रग पूछ लिया फ्लोक्सेटाइन, तो आप क्या ही बताओगे डिप्रेशन यानी डिप्रेशन में यूज की जाती है, यूजेज तो ऐसे ही लिख दोगे, तो आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। ओके, एजोनिस्टिस, ओके एडेनर्जिक और एगोनिस्टिस, ऐसे ड्रग होती हैं भैया जो हमारे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम पर वर्क करती हैं, इन्हें एडेनर्जिक सिस्टम कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल है डोपामिन, डोपामिन इसका एग्जाम्पल है। एंटी एरेथेमिक ड्रग जो होती हैं, ये हार्ट यानी जब डिसऑर्डर होता है, हार्ट में कोई भी डिसऑर्डर होता है उसमें रेथम यानी रेथम बोलते हैं, उसे में ड्रग ये जो होती है मेंटेन करती है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है जो फेनिटोइन सोडियम और वीरोम पिल। ओके, नेक्स्ट है हमारा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, यानी हाइपरटेंशन को जो कम करने, जब हाइपरटेंशन को कम करने के लिए जो ड्रग यूज की जाती है उसे हम एंटी हाइपरटेंसिव बोलते हैं या कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल है प्रोपोनोलोल एंटी हाइपरटेंसिव में वर्क करती है, रेमिप्रिल जो ड्रग होती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए भैया ड्यूरेटिक को समझ लेते हैं। ये एक ऐसी ड्रग होती है जो हमारे यूरिन के फ्लो को तेज करती है, यानी आपको जैसे पेशाब वेशाब नहीं रुक रुक के हो रहा है तो यानी उसके फ्लो को तेज कर देंगी, चलो अब तो निकलो, इन्हें हम ड्यूरेटिक ड्रग कहते हैं। यानी इसका यूज यानी जो ड्रग होती है एसेटाजोलामीन और लैसिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग हैं। ओके, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, हाइपोग्लाइसेमिक भैया ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे ब्लड को ग्लूकोज लेवल को कम कर देते हैं, यानी हाइपोनस कम करना और ग्लूकोज यानी ग्लूकोज को कम लेवल को कम करना, कौन से एजेंट होते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। और इसे मेटफॉर्मिन जो ड्रग होती है इसका ट्रीटमेंट करने में यूज की जाती है। एनाल्जेसिक यानी दर्द, ये ऐसे एजेंट होते हैं दर्दनाशक होते हैं, यानी दर्द को दूर करने में हेल्प करती हैं। ओके, डाइक्लोफिनेक एग्जांपल है इसका, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, सूजन को कम करने के लिए जो ड्रग यूज की जाती हैं उन्हें यानी पेन को भी ये दर्द करती है, यानी जो सूजन चोट लग गई तो सूज जाए उंगली या कुछ भी, और या फिर यानी दर्द को दूर करना है तो ये जो ड्रग होती हैं एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होती हैं, यानी इन ड्रग का हम यूज करते हैं। ओके, एस्पिरिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फिर एंटी फंगल यानी फंगल जो होते हैं, फंगल इन्फेक्शन से जो होती हैं डिजीज, ऐसे एजेंट होते हैं ये जो एंटी फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं उनसे दूर करने के लिए यूज किए जाते हैं, यानी एंटी फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उसे यानी दूर करने के लिए एंटी फंगल एजेंट यानी उन ड्रग का यूज किया जाएगा। जो एग्जांपल यानी कौन सी ड्रग होंगी वो तो केटाकोनाजोल होंगी, वो ड्रग का यूज करेंगे। एंटी ट्यूबरक्लोसिस एजेंट इसको देख लेते हैं, जो टीबी में यानी ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी में जो यूज की जाती है उन्हें हम एंटी ट्यूबरक्लोसिस एजेंट कहते हैं। INHE इसका आप लोग देखिएगा, हमने अगली वीडियो स्ट्रक्चर और इसका ब्रांड नेम ये सब नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। और एंटीवायरल एजेंट, एंटीवायरल यानी वायरस जो होता है जो वायरस से डिजीज होती है यानी वायरस को ट्रीट करने के लिए, जो वायरस से डिजीज होती है उनको ट्रीट करने के लिए जो एजेंट का यूज किया जाता है उसे हम एंटीवायरल एजेंट कहते हैं। और एसाइक्लोविर जो होता है डिजीज यानी जो मेडिसिन यूज की जाती है वो एक एसाइक्लोविर होती हैं। ओके, एंटी मलेरियल ऐसे ड्रग होती भी है जो मलेरिया को ट्रीट करने में यूज आती है, यानी एंटी मलेरियल मलेरिया को ट्रीट करती हैं। बड़ा सिंपल है, इन्हीं में छिपा हुआ है इनका आंसर अभी, तो इसको आप लोग वहाँ आसानी से करिएगा। ओके,
क्विनिन सल्फेट जो इसका एग्जांपल है, ड्रग यूज की जाती है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, यानी एंटीबायोटिक जो एंटी जो बैक्टीरिया होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं आपको, उनको किल कर देते हैं, उन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं। ऐसे एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक जो है मेडिसिन होती है। ओके फ्रेंड्स, ये एंटी न्यूप्लास्टिक को देख लेते हैं। एंटी न्यूप्लास्टिक ऐसे यानी कैंसर, कैंसर को जो ट्रीट करे उसे हम एंटी न्यूप्लास्टिक कहते हैं। और इनमें जो एग्जांपल यानी होगा फ्लोरासिल और सिप्लाटिन, ये एंटी न्यूप्लास्टिक की ड्रग होती हैं। हमने उनमें जो पीछे ड्रग देखा था उनमें आपको बताया भी था। और ये तीन नंबर में अगली बार आया था इम्प्योरिटीज यानी शुद्धता। जैसे भी ये समझ लो यहाँ पे केमिकल रखा हुआ है एक समझ लो, और यहाँ दूसरा केमिकल रखा हुआ है, और यहाँ तीसरा। तो इनमें अगर कोई अलग से सब्सटेंस यानी जो इम्प्योर है उसका कोई कार्य नहीं है, वो आकर अगर पड़ जाए गिर जाए इसमें, तो वही इम्प्योरिटीज हो जाती यानी अशुद्धता इनमें इन केमिकल में आ गई। तो इम्प्योरिटी यानी किस किस से कैसे कैसे आती है, इनकी सोर्स लिखना यानी किस किस प्रकार से इम्प्योरिटीज जो केमिकल में होती हैं हो सकती हैं। ओके, तो रॉ मटेरियल भैया जिसे देखो एक तराजू है, तराजू यानी तौल रहे हो आप, जो डाणी वाला होने गाँव में देखते हो पकड़ने वाला तराजू होता है, उस पर एक तरफ में आपको जो वाट होगा उसको रखा जाता है वजन, और एक आपका मटेरियल रहेगा। तो उनमें आप लोग देखते होंगे कि भैया चलो ज़्यादा रहे हल्का लेकिन कम ना हो, तो उनमें 8 से 10 ग्राम लगभग ज़्यादा ही रहते हैं क्या मटेरियल। तो जिसे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो है कांटा मशीन है उनमें अगर तौलेंगे तो 1 किलो 10 ग्राम बताएंगी। तो इस प्रकार भी जो होती है इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो एडल्ट्रेशन यानी मिलावट करते समय एडल्ट्रेशन जो यानी जो अशुद्धियाँ होती हैं इम्प्योरिटीज हो जाती हैं वो इसमें देखते हैं। ओके, स्टोरेज कंडीशन यानी स्टोर करते कोई ड्रग समझ लो कहीं, तो उनमें गलती से कहीं स्टोर करते समय जो अशुद्धियाँ यानी इम्प्योरिटीज हो जाएँ तो वो स्टोरेज कंडीशन उसे इम्प्योरिटीज किसके अंतर्गत कहते हैं, स्टोरेज कंडीशन के अंतर्गत। बस यही तीन आपको लिख लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग एक वीडियो देखिएगा। अब तो हालांकि टाइम नहीं है दोस्त, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। और ये सब आपके टॉपिक अच्छे से रिवीजन कर लीजिए एक बार, और आप अच्छा स्कोर करें यही आपसे हम कामना करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, शेयर कर जरूर कर देना फ्रेंड्स, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।